से। आज हम जानेंगे बांझपन के कारण। आज तक हमारे देश में बांझपन के लिए महिलाओं को ही दोषी माना जाता है। 10-14% तक दंपतियों में ये समस्या मिलती है, या हम ये कहें कि 10-6 में से हर एक दंपति संतानविहीनता या संतान की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहा है, उपाय ले रहा है। 27.5 मिलियन कपल्स आज हमारे देश में संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, किंतु आज भी संतानोत्पत्ति को लेकर बहुत से दंपति परेशान नजर आते हैं। एक नज़र डालेंगे आज हम बांझपन के कारणों पे। जैसा कि मैंने कहा कि महिला अकेली ही बांझपन के लिए जिम्मेवार नहीं है, पुरुष ही जिम्मेवार है ज़्यादा केसेस में। यदि हम बात करें अपने क्लिनिक की, तो केवल 30-35% पुरुष ही ऐसे होते हैं जिनके शुक्राणु नॉर्मल होते हैं। उसके अलावा अन्य 15% के बॉर्डर लाइन से हम कहते हैं वही होते हैं। और यदि हम बात करें तो 100 में से 60% पुरुषों में बांझपन के कारण ज़्यादा होते हैं बनिस्बत महिलाओं के। क्या कारण है महिलाओं में? सबसे बड़ा कारण हमारे देश में है ट्यूब्स का बंद होना। टीबी खास करके कि गाँव में स्लम एरियाज में टीबी की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, या अन्य इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। अंडाशय की समस्या, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है, जिसमें कि अंडे या तो अत्यधिक बनते हैं या बनते हैं तो फटते नहीं हैं। इसके साथ ही मोटापा और मधुमेह की बीमारी बहुत ही मुख्य कारण है। तनाव आज हमारे युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा कारण बन रहा है, और बहुत बार पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसे सिर्फ दवाई नहीं देते हैं, उसे काउंसिल किया जाता है। इनफैक्ट लॉकडाउन में हमने देखा कि बहुत सारे दंपति, जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, आने जाने की समस्या ख़त्म हो गई, तो अपने आप से ही वो गर्भवती हो गई। तो तनाव का एक बहुत ही बड़ा रोल है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, जो युवाओं में खास करके अत्यधिक वजन के कारण, तनाव के कारण, या फिर वंशानुगत हार्मोन्स का बढ़ना भी इसका एक मुख्य कारण है। यदि हम बात करें समस्याओं की, जब एक वर्ष तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद संतान उत्पत्ति नहीं होती है, तो कपल को हम ये सलाह देते हैं कि वो अपना डॉक्टरी चेकअप कराएं। सिंपल बेसिक टेस्ट होते हैं, जो कि पुरुष के लिए उसके वीर्य का टेस्ट, महिला के लिए एक बेसिक अल्ट्रासाउंड की PCOD तो नहीं है, थायराइड का टेस्ट, और यदि 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि हो गई तो एक ट्यूब्स की पेटेंसी का टेस्ट। ये एक महिला में किए जाने वाले सामान्य टेस्ट हैं, और यदि ये सब टेस्ट नॉर्मल है तो दंपति को यही सलाह हम देते हैं कि आप कुछ समय इंतज़ार करें, तनाव से दूर रहें, और यदि बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और यदि कोई समस्या मिलती है, हार्मोन्स, हम पहली विजिट में हार्मोन्स टेस्ट करते हैं, अगर हार्मोन्स में कुछ कमियाँ ज़्यादा है तो उसकी दवाई दी जाती है। और 70% कपल्स जो हमारे पास आते हैं वो बहुत सिंपल बेसिक ट्रीटमेंट से, यानी कि हार्मोन्स की कमी है तो हार्मोन्स के लिए, और मोटापा है तो वेट घटाकर एक्सरसाइज करके कंसीव कर जाते हैं। कुछ दंपति ऐसे होते हैं जहाँ पे महिला में ट्यूब्स ब्लॉक है, उसमें हम एक दूरबीन की जांच की करते हैं, और दूरबीन की जांच के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किस तरह की रुकावट है। ट्यूबरक्लोसिस और एंडोमेट्रोसिस 2 ऐसी प्रॉब्लम है महिलाओं की जिन्हें की दूरबीन की जाँच की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि लंबे समय तक मरीज को या दंपति को संतान उत्पत्ति नहीं हुई और उनके सभी टेस्ट नॉर्मल हैं, तो उन्हें एक दूरबीन की जांच, जिसे लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, अवश्य करा लेनी चाहिए, जहाँ पे कि गर्भाशय और अंडाशय की भीतरी और बाहरी कंप्लीट जांच की जाती है, और यदि कहीं कोई रुकावट होती है तो उसे भी दूर किया जाता है। अमूमन इस जाँच के लिए जाने वाले 10 में से 7 दंपत्ति संतान सुख पा लेते हैं यदि इसमें सब कुछ नॉर्मल है। कभी कभी ट्यूब्स पूरी तरह से ब्लॉक होती हैं और उसका कोई उपाय नहीं होता, तो ऐसे दंपति को टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF के लिए जाने की सलाह दी जाती है। यदि हम देखें तो 100 में से लगभग 10 दंपति ऐसे होंगे जिन्हें की IVF अथवा किसी हाई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। 70% सामान्य इलाज से ही ठीक हो जाते हैं और उनको संतान सुख प्राप्त होता है।
जरूरत है कि एक सोच सकारात्मक रहे। IVF के बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है IVF और क्यों और कब हमें करवाना चाहिए। धन्यवाद।